हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, बट कुछ प्रीवियस जो वीडियोस बनाई थी उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कुछ शेयर बताए थे जो मैंने आपको कहा था इन्हें खरीदिए, जो आज के डेट में 3%, 4% और 7-7% तक भागे हैं। ओके, उसी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर अपने शेयर की तरफ आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियो को देख के इसका फ़ायदा उठा सके। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे, एक श्री राम जी के मंदिर बनाने का, यहाँ पर अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्री आपको साइट पर ले जाएगा, और यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी पुण्य काम में मदद कर सकते हैं वो आप करिएगा। एज वेल बात की जाए डीमैट अकाउंट की, तो यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्री में डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग की मैं राय नहीं देता बट फिर भी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट उसमें आपको मिलेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक शेयर बताया था, ओके, अगर बात की जाए 24 दिसंबर के आसपास मैंने ये शेयर बताया था आपको, ओके, लगभग 2 महीने पहले, तो 101 लोगों ने यहाँ पर देखा था, और ये शेयर कौन सा था, ये था जॉनसन कंट्रोल हिटाची, ओके, तो लगभग 2516 रुपये, ओके, अगर बात की जाए 2516 रुपये पर ये शेयर था। और बात की जाए ये शेयर आते आते कहाँ तक आया था, अगर मैं यहाँ पर 2 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार ले लेता हूँ, तो ये शेयर देखिए यहाँ पर गया था, फिर मैंने आपको वीडियो बना के यहाँ पर, पहले मैंने दिसंबर में, जैसे कि 24 दिसंबर को यहाँ पर बताया था, ये ऊपर तक गया था, फिर उसके बाद देखिए काफ़ी आपको मौका मिला था यहाँ पर लेने का, यहाँ पर लेने का, यहाँ पर लेने का, और आज की डेट में फिर दोबारा ये टॉप पे बैठा हुआ है। और अगर बात की जाए आज की डेट में, तो ये 2800 कुछ रुपये तक गया था, 52 वीक हाई इसका अगर देखेंगे तो 3400-3500 रुपये है, जो कि मेरा टारगेट है कि मैं इसे बेचूंगा इस जब ये इस लेवल पर आ जाएगा। अगर बात की जाए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है, बट स्टिल ये यहाँ पर 3200-3300 रुपये आ जाएगा तो मेरा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं इसे बेचूंगा, क्योंकि मेरी लेवल, मेरी भी बाइंग 2200 रुपये के आसपास की इसकी बाइंग है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसकी तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं, और जैसे ही नीचे आएगा तो आपको खरीदना है। इसके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इसके फंडामेंटल है और ये कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड, और इसके फाइनेंशियल सब कुछ मैंने बता रखा है, तो इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और मैंने आपको शेयर से बताए थे, मैंने कुछ दिन अभी मैं आपको कंटिन्यूस बताते जा रहा हूँ, इन्फोएज के रिलेटेड बताया था कि बायोन डिप्स करते रहिए, काफ़ी अच्छा शेयर है, ऊपर जाएगा, 10,000 का टारगेट है, जैसे जोमेटो और पॉलिसी बाजार का आईपीओ आते हुए नजर आएगा। इसके अलावा मैंने आपको टेक महिंद्रा बताया था, आज की डेट में देख सकते हैं कि क्या भाग गया, और बायोन डिप्स करने का बहुत मौका मिले थे इसमें। एससीएल टेक, इसमें भी आपको बहुत मौका मिला था, 900 रुपये तक आया था। इसके अलावा विप्रो, इसमें भी आपको मौका मिला था। एलएनटी की बात की जाए तो आज की डेट में 8% भागा है, ओके, 3600 रुपये तक ये शेयर आया था, और मैंने आपको तब भी बताया था कि इसे खरीदिए। टीसीएस के बारे में भी बताया था, और इन्फोसिस के बारे में बताया था कि इसे बायोन डिप्स करते रहिए, ये भी 1260 रुपये तक आके आज की डेट में 1304, 1307, 910 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे शेयर की तरफ जब भी आपको बताए जाते हैं तो आप देखिए, खुद की स्टडी करिए और पोजीशन बनाने की कोशिश करिए, मार्केट में घुसिए, और आपको ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देते हुए दिखाई देंगे। और ये आईटी के शेयर आपको आने वाले टाइम में विद इन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छा गेन देते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दूसरा वीडियो जिससे रिलेटेड हम बात बातें कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट में थोड़ी सी गिरावट होती हुई हमें नज़र आई है, लगभग 85 पॉइंट्स की गिरावट, और ये शेयर अगर बात की जाए तो 495 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो देखिए ये शेयर 2018 में आते हुए हमें नज़र आया था, उसके बाद से इसमें गिरावट ही गिरावट है, यहाँ पर से कम ये भागना शुरू करने वाला था बट यहाँ पर फिर गिरावट आ गई, ओके, यहाँ पर ये शेयर फिर गिरावट, और आज तक इसी लेवल पर ये चल रहा है, ओके, और मैंने इसके रिलेटेड पहले कभी वीडियो नहीं बनाई बट मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी, 20% का मुझे गेन हुआ था, इसके बाद मैं चुपचाप इससे निकल गया था। अगर बात की जाए तो आज की डेट में लगभग 67% 68% की यहाँ पर डिलीवरीज देखी गई है, और इसमें FIIs और DIIs अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, ओके, अच्छे खासे ये कंपनी है, आपको बताता हूँ, इसे बस इस तरीके से मत लेना क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं है, 2 साल का चार्ट पैटर्न है, ये कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है, नाम वगैरह सब आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप 52 वीक लोग देखेंगे, 25 मार्च का 295 रुपये का था, आज 495 पे चल रहा है, 200 रुपये ऊपर बढ़ गया है। एज वेल एज बात की जाए 52 वीक हाई की, तो 2 मार्च को 616,
ओके 600 सॉरी 614 रुपये के 15 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था। अगर बात की जाए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये प्रोमोटर्स के पास 32% की है। इसके बाद ये जो 67% है इसमें DIS और FIIs भरे हुए हैं। एज वेल बाय इस बात की जाए यहाँ पर प्लेजिंग की, तो कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, जो कि कंपनी अच्छी है। तो अब बात की जाए कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम है TCNS क्लोदिंग कॉपरेट लिमिटेड। ओके यहाँ पर ये कंपनी है TCNS क्लोदिंग, तो इसका मतलब क्या है, TCNS क्लोदिंग है क्या? तो TCNS क्लोदिंग देखिए, W ब्रांड आपने सुना होगा, ओरिला, विशफुल, ओके 11, ये आपने सुना सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आपको दिखा देता हूँ। W W ब्रांड एक फीमेल क्लोदिंग बनाने की कंपनी है। ओके यहाँ पर इसके आप देखेंगे तो मिंत्रा पे ऑनलाइन एज वेल एज इसके स्टोर्स भी आपको बड़े बड़े मॉलों में जाते हुए दिखेंगे। तो बहुत रीजनेबल एज वेल एज एक्सपेंसिव दोनों तरीके के लोग के कपड़े मिलते हैं, और फीमेल्स के ही कपड़े मिलेंगे, डब्लू फॉर वुमेन। एंड बात की जाए यहाँ पर बहुत अच्छे इसके कपड़े भी होते हैं और लोग इसे प्रेफर भी करते हैं पहनना। ओके और अलग अलग बिजनेस में यहाँ पर ये आते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंडल्स वगैरह भी इन्होंने शुरू कर दी है। यहाँ पर आप जाएंगे, ओके कुर्ता सेट, ड्रेस, टॉप्स, गर्ल्स सेमी, यहाँ पर बॉटम, प्लाजो, पैंट, स्कर्ट्स, फुटवेयर में हील्स, फ्लैट, वेजेस। ओके अगर बात की जाए विंटर कुर्ताज, ड्रैप्स, मास्क, ओके विशफुल। ओके तो इन्होंने मतलब ये अलग अलग तरीके के इस ये सारी की सारी मतलब क्लोथिंग, ओके अलग अलग ब्रांड में ये कंपनी आ गई है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर और एलिया, ये भी आपने देखी सुना ही होगा इसका नाम, ये भी ऑनलाइन आपको दिख जाता है। तो ये भी कंपनी एक कौन बनाता है, TCNS ये कंपनी है, यही इसे बनाते हैं। तो सेम फुटवेयर ये सभी चीज़ में ये भी कंपनी भी शामिल है। तो अगर इसके बात की जाए हम TCNS क्लोथिंग की, ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 का ROC ये है और छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 3,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो इसलिए पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये शेयर जब भागेगा तो बहुत तेज भागेगा, और गिरेगा तो उसी तरीके से गिरेगा भी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। बट फंडामेंटली हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, काफ़ी मार्केट में इसका ब्रांड का नेम है, इसलिए ये अच्छा नज़र आता है। इसके अलावा कुछ इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं सेल्स, ओके क्वार्टरली वाइज, तो जो सेल्स 258 करोड़ रुपीज़ के थे, फिर यहाँ पर बढ़ी रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके कंपनी ने सेल्स करना शुरू किया था, बट यहाँ पर आ गया मार्च, मार्च के बाद यहाँ पर स्टोर्स बंद थे, सब कुछ बंद था, यहाँ पर बंद। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर से स्टोर्स वगैरह शुरू हुए। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 238 करोड़ रुपीज़ का फिर दोबारा यहाँ पर जंप आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि अपने पुराने उसे तो अचीव कर ही लेगा आने वाले टाइम में। एज वेल एज बात की जाए आगे के टाइम की, तो ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आती है, काफ़ी अच्छी नज़र आती है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस ये करके दिखा सकती है, तो इसकी तरफ नज़रें बनाइएगा। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो जहाँ पर नेगेटिव में प्रॉफिट चल रहा था, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट नाउ नाउ फ्रॉम दिस वेरी ओन क्वार्टर। ओके तो 13 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हमें दिसंबर में होता हुआ नज़र आया है। अगर हम ईयरली बेसिस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 71 करोड़ रुपए का यहाँ पर 2010 में सेल थी, जो कि मार्च 2020 तक आते आते कितने 1,150 करोड़ रुपये तक हो गई थी। अगर बात की जाए यहाँ पर इस बार पिछले 12 महीने की, तो आपको पता ही है सेम इशू कोविड था, इस वजह से यहाँ पर सेल्स आपको 12 महीने में कम होती नजर आई है। बट अभी भी बता रहा हूँ ये कंपनी ग्रो करेगी, और जैसे ही ग्रो करेगी तो आपका शेयर भी भागता हुआ, आपके शेयर की प्राइस भागता हुआ नजर आएगा। नेगेटिव में यहाँ पर उसी यही रीज़न है, बाकी यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है, तो आपको आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ अगर बात की जाए यहाँ रिजर्व्स की, तो यहाँ पर रिजर्व्स देख सकते हैं 580 करोड़ रुपए के कंपनी के पास सितंबर 2020 तक रिजर्व्स थे। बोरोइंग की बात की जाए, पहले कंपनी डेट फ्री थी, यहाँ पर इन्होंने बोरोइंग लिया है, और बोरोइंग किस लिए लिया है, तो इन्होंने अपनी बोरोइंग सिंपल सी बात है इसलिए लिया है, ये कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड कर रही है, इस वजह से यहाँ पर बोरोइंग लेता हुआ हमें नज़र आया है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 117 करोड़ रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अगर बात की जाए कैश इक्विवेलेंट की, तो 29 करोड़ रुपये का कैश भी कंपनी के पास है। ओके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 131 करोड़ रुपीज़ का है। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ 32.31% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIIs की होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बढ़ाते तो जा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं, हर क्वार्टर बढ़ा रहे हैं, तो 17% की हिस्सेदारी FIIs के पास है। DIS के पास देख सकते हैं, और वो अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम कर रहे हैं, बट स्टिल 7% की हिस्सेदारी DIS के पास है। अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, अगर यहाँ पर से हम इसे घटा देते हैं
यहाँ पर तो, यहाँ पर पब्लिक के पास केवल 3 और 4% की, 4-5% की हिस्सेदारी है, बाकी सारी हिस्सेदारी DIS, HNI, FIIs एज वेल एज बात की जाए प्रमोटर, इनके पास है। तो कंपनी मतलब लोग इसके शेयर को छोड़ ही नहीं रहे पब्लिक के लिए, तो जो पब्लिक के लिए नहीं छोड़ते ना शेयर, तो समझ जाने का कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी आगे भागने वाली है। तो देखिए यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल आया था, तो मैंने यहाँ पर ही आसपास शेयर खरीदा था, यहाँ पर सेल के आया था, मैंने सेल करके चुपचाप निकल गया था, 20% का प्रॉफिट लिया, चुपचाप मैं निकल गया। अब जब भी अगर आपको बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले, ये शेयर नीचे आता है, तो मेरी राय तो रहेगी कि आप इसे एकुमुलेट करना जरूर शुरू करेगा, बट स्टिल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी खुद की स्टडी करके इस शेयर को एकुमुलेट करने की कोशिश करिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी स्टडी थी, बाकी अपनी स्टडी आप खुद कर लीजिएगा। और जो था मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये कंपनी अभी आई है लिस्ट होती हुई, तो यहाँ पर अभी ये जो ये कंपनी का ये दिखाई दे रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये कंपनी जब भागती नजर आएगी तो प्रीवियस हाई को तो ये तोड़ेगी तोड़ेगी, जो इसका 833 है, बट उसके बाद जो कंपनी भागेगी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल को बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें एंकरेज करें हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला के, हमारी वीडियो को थम्सअप दे के अगर आप देख रहे हैं और पहली बार आया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके, ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।